ये है 2024 की ऑल न्यू यामा MT-15। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतर पेशकश यामा MT-15। आज आपको हम वीडियो में इस गाइड से रिलेटेड ओवरऑल फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले, क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप के आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और आपको आज इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले ओवरऑल कैसा इस गाड़ी का माइलेज है, कैसा परफॉर्मेंस है और 2024 आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कौन सी चीज़ें बहुत लोग पसंद करते हैं आप सभी की ऑल यामा MT-15। जी हाँ, एक गाड़ी की आप लोग लुक ले सकते हो। कंपनी कुछ ने बड़े अपडेट्स कर दिए हैं, वो आज आपको हम वीडियो बताने वाले हैं। बाकी इस गाड़ी से रिलेटेड वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। गाड़ी क्या कुछ ऑन रोड प्राइसिंग पर जाती है, गाड़ी आपको माइलेज कितना देती है, फाइनेंस प्रोसेस क्या रहता है गाड़ी का, फुल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। बाकी चलिए इस वीडियो में बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो गाड़ी के ऊपर आप लोग फुल लुक ले सकते हो। लुक वाइज आपको कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं होती, एक बहुत ही शानदार मॉन्स्टर लुक आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। गाड़ी के ऊपर आप लोग फुल लुक ले लो, लुकिंग वाइज कहीं से भी कोई कमी नहीं होगी। ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कलर कॉम्बिनेशन इस गाड़ी का। फ्रंट में आपको USD फोक्स में मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को बहुत ही बेहतर इन्हेंस करते हैं। एक बार आप लोग फुल लुक ले लो, गाड़ी की लुक वाइज कहीं से कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है। आपको मैं फ्रंट से भी दिखाता हूँ, साइड से मैं आपको दिखा दिए। फ्रंट से गाड़ी देख लो एक बार, देखने में बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार लगती है। अगर हम गाड़ी की साइड से बात करें तो साइड से भी आप लोग देख लो। और बाकी मैं आपको बात कर लेते हैं ओवरऑल को क्या देखने को मिल जाता है। तो 141 kg इस गाड़ी को ओवरऑल कवरेज रहती है, 141 kg गाड़ी रहती है। सीट हाइट की बात करोगे तो इसमें आपको 810 mm की सीट हाइट देखने मिल जाती है। गाड़ी की ऊपर आप लोग सीट हाइट चेक कर लो, ये सीट हाइट जो गाड़ी कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड करती है, ये देख लो सीट हाइट जो इसका है, ये 810 mm की है। इसके बारे में बात कर लें तो 170 mm की आपको बहुत ही बेहतर ग्राउंड की देखने मिल जाती है। ओवरऑल लेंथ की बात करोगे तो 2015 mm की ओवरऑल आपको लेंथ देखने मिल जाती है। ये रही गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस और ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट के बारे में बात। बाकी अगर आपकी हाइट 5'6" 7" है तो आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हो। 141 kg गाड़ी है, 1.5 क्विंटल से भी कम है, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने लगी गाड़ी हैंडल करने वाइज। ओवरऑल देख सकते हो गाड़ी, उसके आगे बढ़ते हम बात कर लें क्या कुछ आपको कंपनी इसमें और प्रोवाइड कर देती है। तो मेन जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी के साथ आता है वो मैं अगर हम बात कर लें तो वो इस गाड़ी का ओवरऑल इंजन रहता है। जो कंपनी आपको यहाँ पे इंजन प्रोवाइड करती है, मैं हम आपको इंजन बता देते हैं, बहुत ही बेहतर माइलेज देता है। लगभग 45 से 50 km का माइलेज निकाल सकते हो। गाड़ी में आपको ओवरऑल 155 cc का BSS कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है। जो कंपनी क्लेम माइलेज है ओवरऑल वो 48 km का है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर माइलेज है। उसके साथ ही अगर बात करोगे तो 18.1 BHP की पावर देखने को मिल जाती है, 14.1 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी में आपको ओवरऑल कोई भी आपको इशू नहीं होने वाला, ओवरऑल आपको बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स मिलने वाला है। इसमें कंपनी आपको डुअल चेन रेलवे सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। अगर हम फ्रंट से ही बात कर लें तो ये देख लो 17 inches वाले आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ गाड़ी की तो देख लो यहाँ पे आपको टायर साइज भी कंपनी यहाँ पे मेंशन की है, 100x80 70 inches वाले आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। लगभग आपको 290-300 mm के आपको फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है। गाड़ी की ये देख सकते हो आपको जो अलॉय कलर्स है कंपनी ने आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में प्रोवाइड किए, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगते हैं। बाकी आप डिस्क देख लो, कोई आपको इशू ऐसा नहीं जाने वाला है गाड़ी के साथ। उसके साथ ही अगर बात कर लोगे तो एक बहुत ही शानदार इसमें ओवरऑल ग्रिपिंग देखने को मिल जाती है। मैं आपको फ्रंट से टायर दिखा देता हूँ, देख लो बहुत ही बेहतर है, आप कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। ब्रेकिंग बहुत अच्छी गाड़ी में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये देखोगे तो ये मैट फिनिश किया गया है वाइट कलर में, आपको ग्रे टाइप का ये कलर कॉम्बिनेशन लगेगा। बाकी यहाँ पे ये आपको पूरा गोल्डन में मिल जाता है। अप साइड डाउन आपको यहाँ पे USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतर लगते हैं। नाइट विजन देखोगे तो ये चमकते बहुत अच्छे हैं, तो देखने में गोल्डन बहुत अच्छा लगता है। बाकी डे टाइम में भी देख सकते हो बहुत ही बेहतर लग रहा है। गाड़ी की अगर हम हेडलाइट सेटअप की बात कर लें तो आपको यहाँ पे मेन आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, वो आपको हम वीडियो के लास्ट में चेक करा देंगे। या आपको यहाँ पे LED DRS को कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। एक बार अगर आप की भी ऑन करोगे तो ये आपके जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अभी 4 इंडिकेटर वाला स्विच ऑन किया हूँ, तो देखो तो इसके 4 इंडिकेटर देखने बहुत ही बेहतर लग रहे हैं। गाड़ी के अगर फ्रंट से अगर आप नाइट विजन में ऐसे लुक लोगे तो ये देख लो, देखने बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार लगती है। नाइट विजन आते आपको कोई भी कमी नहीं होने गाड़ी की, गाड़ी में से नाइट विजन बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने वाली है। तो ऐसा कुछ आपको लुक देखने को मिल जाता है। फ्रंट से भी गाड़ी की लुक चेक कर लो, बहुत ही शानदार आपको ये दोनों देखने को लगते हैं एकदम। और साइड में अगर बात करोगे तो ये आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इस गाड़ी के लुक को बहुत तगड़ा इन्हेंस करते हैं, तो गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार आपने फ्रंट से गाड़ी की ओवरऑल लुक ले ली, ऐसी कुछ आपको लुक देखने को मिल जाती है। आ जाते हैं हम गाड़ी के मीटर कंसोल के बारे में, क्या कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये लो बीम हाई बीम की स्विच मिलती है। कंपनी का थोड़ा सा अलग कंपनी ने पे आपको हॉर्न प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत लोगों को ये चीज़ गलत लगी। यहाँ पे आपको हॉर्न स्विच मिल जाती है, हॉर्न चेक कर लिया, ये आपको साइड इंडिकेटर की स्विच मिलती है, ये आप देख सकते हैं। बाकी मीटर कंसोल आप एक बार मैं आपको ऑफ ऑन करके दिखाता हूँ, देख लो ऐसा कुछ मीटर कंसोल मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है, लास्ट लोकेशन पार्किंग लोकेशन आपको शो करता है, गियर इंडिकेटर शो करता है,
फ़ोन आते हुए शो करता है, आरपीएम मीटर हो गया, माइलेज हो गया, ये बेसिक चीज़ें आपको शो करती हैं। बाकी यहाँ देखोगे तो ये आपको टाइम दिखाता है, आपकी गाड़ी देख लो तो ये ओवरऑल आपको एवरेज सब बताता है। इसमें आपको TCS देखने को मिल जाता है, ओडो ट्रिप ऑन मिल जाता है, ट्रिप टू मिल जाता है, ट्रिप ऐप मिल जाता है, फ्यूल इकोनॉमी वाला, और ये टाइमिंग और ये आपका एवरेज बताता है। तो देख सकते हो ओवरऑल ऐसा कुछ मिल जाता है। यहाँ आपको स्पीड बताएगा, यहाँ फ्यूल गेज मीटर, यहाँ से आप ये हैजार्ड लैंप की स्विच कंपनी ने न्यू एड ऑन की है, जो कि पहले यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। तो ये हैजार्ड लैंप की स्विच आप लोग ऑल न्यू देख सकते हो, जिसकी मदद से चार इंडिकेटर आप एक टाइम पे चलते हैं। गाड़ी की बैक से जो लुक आती है वो बहुत ही शानदार निकल के आती है। एक बार बैक से गाड़ी का ओवरऑल लुक देख लो, बहुत ही बेहतर निकलती है। तो ऐसा कुछ स्विच मिलता है। बाकी आपको यहाँ पे तीनों इंटीग्रेटेड स्विच कंपनी प्रोवाइड करती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला आपको यहीं देखने को, यहाँ से आप इंजन स्टार्ट कर लोगे ऐसे करके, यहाँ से इंजन ऑफ कर दोगे। ये आपको एक्सेलेटर, ये फ्रंट का ब्रेक, ऐसा कुछ नो मिल जाता है। हैंडल बार पोजिशन बहुत अच्छी है, लगभग 10-11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। ये देख लो, आपको यहाँ से भी ईजिली एक्सेस होगा। E20 कंपनी यहाँ पर आपको बैचिंग की हुई है, तो जो ऑल न्यू पेट्रोल कॉमिशन आ रहा है वो आप बिल्कुल इसमें भरवा सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा। ये मॉन्स्टर टाइप कुछ यहाँ पे कंपनी स्टिकर लगा है, ये आपको मैट फिनिश मिल जाता है, ये कलर भी आपको ओवरऑल मैट फिनिश मिलता है। साइड से अगर लुक के बारे में बात करोगे तो एक बार साइड से आप लोग गाड़ी की लुक ले लो। MT की यहाँ बैचिंग देखने को मिल जाती है। 6-स्पीड गियर बॉक्स सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड कर देती है, तो आपको 6-स्पीड गियर का बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स मिलने वाला है। टॉप स्पीड आप 140-150 के आसपास इस गाड़ी को ले जा सकते हो, 140 के आसपास चली जाती है। ग्राउंड के उसमें बता दिया, इंजन के आपको स्पेक्स बता ही दिए हैं। उसके आगे बढ़ते हो अगर बात करोगे, बैक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ सस्पेंशन आपको बैक में देखने को मिल जाता है, गाड़ी का सस्पेंशन देख सकते हो। यहाँ पे बैक में कंपनी यहाँ पे बैचिंग की हुई टेल पे। सीट की अगर बात करोगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं सीट आपको देख लो, मैं नाप के दिखा देता हूँ। एक आप मेरा हाथ, ये 3 से भी कम आपको सीट मिल जाए। 2 लोग के लिए बहुत अच्छे है, 2 लोग वाइज कोई भी इशू नहीं होगा, 3 लोग के लिए इशू क्रिएट कर सकता है। बाकी देख लो सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, सीट जॉइंट है, ना ही सीट कोई पीछे ज़्यादा उठा है, तो सीट बहुत अच्छा है। यहाँ पे फैब्रिक बहुत अच्छी यूज़ किए गए हैं सीट में, तो ये आप लोग देख सकते हो। बाकी बैक में आपको ये पकड़ने के लिए दिया जाता है, जो कि जो भी बैक में बैठे उसकी ग्रिपिंग वाइज बहुत अच्छा है, यहाँ पे ओवरऑल रिस्पॉन्स मिलने वाला है। गाड़ी अगर एग्जॉस्ट की बात करोगे तो एक बार आप लोग एग्जॉस्ट देख लो, ऐसा कुछ कंपनी आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट प्रोवाइड कर देती है। बैक में भी आपको डुअल चेन एयरबैग सपोर्ट मिल जाता है, तो ब्रेकिंग वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग में आपको कभी कोई भी शिकायत आपको महसूस नहीं होगी। तो ब्रेकिंग आप गाड़ी की देख सकते हो। बैक के टायर आपको अच्छे खासे मोटे देखने को मिल जाते हैं, जिसके वजह से आपका जो ओवरऑल ग्रिपिंग है रोड पर वो बहुत ही बेहतर आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रिप वाइज आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डुअल चेन एयरबैग वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है, तो डुअल चेन एयरबैग आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। डुअल चेन एयरबैग आपको ओवरऑल बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने वाला है। बैक की अगर बात करोगे तो बैक की अगर टायर साइज की बात कर लें तो आपको बैक में 140x70-70 इंच वाले ट्यूबलेस सारे देखने को मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। आपको ओवरऑल ब्रेकिंग जो है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। अगर हम बात करें फ्रंट और बैक में आपको कितना एयर आपको मेंटेन रखना है, तो फ्रंट में आपको 32 PSI रखना है और बैक में आपको 36 PSI का आपको ओवरऑल मेंटेन रखना है। बाकी बैक का जो डिस्क है वो थोड़ा आपको छोटा देखने को मिल जाता है, 240-260 mm की डिस्क मिलती है। बाकी ओवरऑल अगर देखो गाड़ी की बैक से लुक, तो एक बार मैं आपको बैक से लुक दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ का टेल देखने को मिल जाता है, बैक का टेल लाइट एक बार आपको हम ऑन कर दिखा देते हैं, बहुत ही बेहतर लगता है। ओवरऑल इसके टेल लाइट की बात करोगे तो नाइट विजन आपको बहुत ही बेहतर शानदार रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। गाड़ी के बाद टेल लाइट एक बार आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही बेहतर ओवरऑल लगता है। तो गाड़ी कहीं ना कहीं जो ओवरऑल गाड़ी की लुक निकल के आती है वो बहुत ही शानदार और इनहेंस निकल के आती है, तो गाड़ी नाइट विजन में आपको बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने वाली है। बाकी नंबर प्लेट के ऊपर भी एक लाइट यहाँ पे LED वाला मिलता है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साइड्स में आपको यहाँ रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं, तो ये भी चीज़ आप लोग ओवरऑल चेक कर सकते हैं। बाकी अगर गाड़ी के माइलेज के बारे में बात कर लें तो लगभग 45-50 का आपको इजीली माइलेज निकाल के देती है। ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो उसमें एक ब्लैक एडिशन भी आती है, जो कि इसका स्टैंडर्ड मॉडल होता है, जिसमें कि आपको मैं बता दूँ क्या क्या डाउन साइड मिलता है इस गाड़ी कंपेयर में। ये इसकी डीलक्स मॉडल है, इसके ऊपर एक मोटो GB मॉडल आ जाती है। 3 मॉडल्स कंपनी MT प्रोवाइड करती है, जो इसकी स्टार्टिंग ऑनर प्राइसिंग वो 2 लाख है। ये आपको 3,000 रुपये महंगी पड़ती है, 2,03,000 के आसपास पड़ेगी उस मॉडल के स्टैंडर्ड मॉडल कंपेयर में। और जो इसकी टॉप एंड वेरिएंट है वो लगभग 2,08,000 के आसपास पड़ती है। तो गाड़ी के ओवर आप लोग लुक देख लिए, गाड़ी के फीचर्स देख लिए। अगर 2024 में प्लान करें एक बहुत ही बेहतर और शानदार बाइक लेने का, जिसमें आपको पावर मिल जाए, पिकअप मिल जाए और साथ ही साथ एक बहुत ही शानदार लुक मिल जाए और यहाँ का बेटूट भरोसा मिल जाए, तो बिल्कुल 2024 में आप इस गाड़ी को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो।
तो ओवरऑल गाड़ी आपको बहुत ही बेहतर पावर मिल जाता है, बहुत ही बेहतर पिकअप मिल जाता है, और साथ ही साथ ओवरऑल गाड़ी आपको बहुत ही बेहतर रिस्पांस देती है। तो अगर आप 2024 में पावर पैक्ड बाइक ढूंढ रहे हैं जो कि आपको 200,000 में मिल जाए, तो आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हो। 40,000 रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट इस गाड़ी के लिए जाता है, 40,000-30,000 अगर आप सैलरी इंप्लॉय हो, 30,000 में भी इस गाड़ी को फाइनेंस करा सकते हो, बिल्कुल इजीली फाइनेंस आपकी हो जानी है। तो एक बार गाड़ी का आपने लुक ले ली, ओवरऑल अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर अगर पहले विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर बिल्कुल ना भूलें। बाकी इस गाड़ी के आप लोग देख सकते हो बहुत ही बेहतर मिलती है गाड़ी, कोई भी आपको ओवरऑल कमी या कुछ भी आपको महसूस नहीं होने वाला, ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है। प्लस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो प्लस पॉइंट इसमें आपको अच्छे खासा आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। डिसएडवांटेज वही आपका जो इसका सीट है थोड़ा छोटा मिल जाता है, बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत ही बेहतरीन आपको मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को भी अधिक से लोगों को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।